पृष्ठभूमि है इनकी, और इनका जो प्रोफेशन था पहले वो जरी का काम, और उसके बाद अब ये जब से वेट लिफ्टिंग में आए हैं जाहिर है कि काफी उम्मीदें इनसे बढ़ गई हैं। 135 को रिवाइज करके 137 कर लिया है शियोली ने, क्योंकि शैड डार्सिनिया पहले ही 135 लिफ्ट कर चुके हैं। एक सौ सैंतीस की पहली कोशिश ऐसा लगता है कि बिना किसी एफर्ट के इन्होंने मुकम्मल कर ली है। 143 ही इनका पर्सनल बेस्ट है, उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। जो आप कह रहे थे बुद्धिमत्ता, जो पहले आप कर चुके हैं वही कीजिए, जितनी लीड आसानी से बनती दिखाई दे रही है बनाइए, अगर वो आपकी मजबूरी ना हो। अब आपको जीतना है और आपके पर्सनल बेस्ट से बेहतर करना आपका मजबूरी है तो आप करेंगे, लेकिन यहां पर समझदारी का परिचय देते हुए बिल्कुल कामयाब, बिल्कुल कामयाब। 143 थर्ड लिफ्ट में अचिंत ने कर दिया कमाल और पहुंच जाएंगे, और ये गोल्ड के लिए फिलहाल नाकाफी होगा, लेकिन बाकी जो दो लिफ्टर्स की लिफ्ट्स पूरी होने के बाद उनका गोल्ड मेडल सील हो जाएगा। बिल्कुल कामयाबी के साथ पूरा किया पहले ही अटेम्प्ट में 166 किलो भारत के अचिंत ने, और सबसे बड़ी बात इनके सुनहरा हो यही आशा है। आखिरी अटेम्प्ट 170, अगर कामयाबी मिलती है तो 313 एक बड़ी चुनौती रख कर जाएंगे बाकी दोनों अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए। हाथ सबके प्रार्थनाओं में हो। 170 केजी का तीसरा अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया क्लीन किया है, कम से कम दूसरी बार की तुलना में। जर्क के लिए गए और कामयाब हो गए शिवली, अजिंत शिवली कामयाब 170 केजी पर। और मलेशिया के ये लिफ्टर हिदायत मोहम्मद 176 केजी का वजन उठा पाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। और इसके साथ ही भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है, अचिंत शिवली ने गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत के, भारत को मिला वेट लिफ्टिंग के अंदर तीसरा गोल्ड मेडल। अचिंत शिवली ने यह बता दिया कि साधनों की कमी आपके जज्बे पर भारी नहीं हो सकती, कितनी शानदार तरीके से उन्होंने इस इवेंट को जीता और कितने धीर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बधाई अचिंत को, बधाई समूचे हिंदुस्तान को। खेल इनको विरासत में भले ही ना मिला हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित जरूर करेंगे। 20 साल की आयु में अचिंत शिवली बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। मुबारक मुबारक मुबारक, अद्भुत प्रदर्शन, न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल जीते हैं आज अचिंत शिवली ने। एक ऐसा प्रदर्शन जो शुरू से लेकर आखिर तक भारत का वर्चस्व कायम रहा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शायद वो अचिंत दूसरे या तीसरे नंबर पे फिसल सकते हैं। सराहना, सपोर्ट।